यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तराखंड गठन के 18 साल पूरे होने पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि अगले 5 सालों में उत्तराखंड को सशक्त बनाने की प्राथमिकता है, क्योंकि राज्य में पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इस वक्त राज्य रोजगार और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। जिसे देखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं ताकि अगले 5 सालों के भीतर उत्तराखंड का कोई भी मरीज राज्य से बाहर के अस्पतालों का रुख ना करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि राज्य को जिस मुकाम पर रहना चाहिए था वहां तक पहुंचाने में सरकारें नाकाम रही हैं, लिहाजा कुछ अलग करने की जरूरत है जिससे राज्य विकास की दौड़ में तेजी से शामिल हो सके। स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति ने, हमारे राज्य कर्मचारियों ने और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तब उत्तराखंड राज्य अलग बना। पर जिन अपेक्षाओं से राज्य का गठन किया गया था वो अपेक्षाएं नहीं पूरी हुई। दूसरे सबसे बड़ी अपेक्षा थी युवाओं को नौकरी या रोजगार, तो युवा बेरोजगार होता गया। संख्या बेरोजगारी की जो हमने मंगाया है वो बढ़ती चली गई, और देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, जो बहुत होती है, वो नहीं मिली। तो इसलिए युवाओं में रोजी रोटी को लेकर निराशा है। देखिए, आज मैं पूरे उत्तराखंड के सभी वासियों को, मीडिया के सभी मित्रों को, सभी जितने उत्तराखंड के रहने वाले हैं उन सभी को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं। और आज राज्य स्थापना दिवस के दिन हम सब लोग इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। हम सब इस उत्तराखंड को, जो शहीदों की जो सोच थी उस तरह का उत्तराखंड बन सके, इस सब के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी एक संकल्प लेता हूं कि 5 वर्षों के अंदर इस उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, ये 3 एक ऐसे विषय हैं जिसको लेकर उत्तराखंड के अंदर बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है, बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है।